हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन द वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करेक्शन फॉर्म से रिलेटेड कुछ डिटेल्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जेई मेन 2020 का एग्ज़ाम जो जनवरी में होने वाला है उसकी एप्लीकेशन करेक्शन पोर्टल ओपन कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करना, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो अपलोड सबसे पहले आपको मिल सके। सो डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग। आप स्क्रीन पे देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो आइए इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का आपका एक नया पेज ओपन होता है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। साथ में आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी जेई मेन, तो इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन और डाल के साइन इन कर लेना। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि उसमें आपको जो भी करेक्शन करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर या फिर जो भी आपको चेंज करना है, जैसे कि आपकी कैटेगरी गलत होगी, आपका फादर्स नेम स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो। उसके लिए साथ में मैं आपको बता दूँ एडिशनल फ़ी भी लग सकती है जो कि आपको पे करना होगा, तभी आपका करेक्शन सक्सेसफुली हो पाएगा। तो आइए कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कब से कब तक करेक्शन पोर्टल ओपन रहेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक पब्लिक नोटिस जारी की गई थी NTA की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के बीच में आपकी करेक्शन पोर्टल ओपन रहेगी। और साथ में बता दूँ जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, अगर कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और साथ में आप अगर नहीं करेक्शन करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर करेक्शन करना चाहते हैं ज़रूर से करें। और इसके लिए आपको एडिशनल फ़ी पेमेंट लगेगी अगर वहाँ पे एप्लीकेबल होगा तो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एडिशनल फ़ी भी पे करनी होगी। और साथ में मैं आपको बता दूं यहाँ पे वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू कैंडिडेट्स टू अवॉइड एनी हार्डशिप टू देम, तो आपको एक ही बार ये मौका दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना 20 अक्टूबर के बाद आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने भी करेक्शन करना है वो ध्यान से कर लो। और बता दूँ आपको कि एग्ज़ाम पैटर्न भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में। जैसा कि आप देख सकते हो ये इनका इन्फॉर्मेशन वाउचर है और इसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन 6 जनवरी से 11 जनवरी तक के बीच में ली जाएगी और आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 31 जनवरी को। पेपर की बात की जाए तो लैंग्वेज में आप देख सकते हो इंग्लिश, हिंदी या गुजराती तीनों में पेपर अवेलेबल होंगे। BE BTEC की बात की जाए तो टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि 300 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से 20 ईच क्वेश्चन होगा आपका MCQ और 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे या न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन होंगे। मार्किंग की बात की जाए तो MCQ को 4 मार्क्स रखा गया है और आपकी निगेटिव इनकरेक्ट आंसर में -1 कर दिया जाएगा। और आपकी बात की जाए न्यूमेरिकल बेस्ड में तो आपको करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स और नो निगेटिव मार्किंग है इसमें, तो इस बात का आप लोग ध्यान। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात की है तो मैथमेटिक्स Part 1 और एप्टीट्यूड टेस्ट Part 2 में बांटा गया है और ड्राइंग पेपर Part 3 में है। तो Part 1 में आपके 20+5 क्वेश्चन होंगे, मतलब 20 MCQ, 5 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि 100 मार्क्स के होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट Part 2 की बात की जाए तो 50 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और ड्राइंग टेस्ट Part 3 की बात की जाए तो उसमें 2 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के। टोटल हो गए आपके 400 मार्क्स के 77 क्वेश्चन। MCQ की बात की जाए तो करेक्ट आंसर पे आपको +4 दिया जाएगा और इनकरेक्ट आंसर पे आपको -1 कर दिया जाएगा। और आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड की क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे और इनकरेक्ट पे 0 मार्क, मतलब नो मार्क दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बैचलर ऑफ प्लानिंग, जिसमें कि आप देख सकते हो मैथमेटिक्स Part 1, एप्टीट्यूड टेस्ट Part 2 और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन Part 3 में रखा गया है। ये कंप्यूटर बेस्ड मोड में लिया जाएगा। और मैथमेटिक्स Part 1 की बात की जाए तो 20 MCQ और 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। एप्टीट्यूड टेस्ट Part 2 50 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। और प्लानिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आपके 3rd पार्ट होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। टोटल आपके हो गए 400 मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100। MCQ में आपको करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे, इनकरेक्ट पे -1 कर दिया जाएगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे आपको करेक्ट पे 4 मार्क्स और नो निगेटिव मार्किंग इसमें डिटरमाइन है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर से लाइक और शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।